गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एल्केन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड, जिसमें हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उसमें हाइड्रोजिनेशन करा करके एल्केन को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो देखिए, ये जो मेथड है, सबसे पहले समझिए कि इसको सैबेटियर सैंडर्स रिएक्शन भी बोला जाता है। यानी ये जो रिएक्शन आज हम करेंगे उसका क्या नाम है, सैबेटियर सैंडर्स रिएक्शन। आप देखिए यहाँ पर इस मेथड में होगा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम क्या करेंगे, एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो हमारे अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है एक वर्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली हमारे पास जैसे एल्कीन हो सकती है, एल्काइन्स हो सकती है, तो उनमें क्या होगा, हमारा कार्बन जुड़ेगा, तो वहाँ से हमें प्रिपेयर होगी एल्कीन। ठीक है, तो चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। तो इसकी रिएक्शन में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का। तो एल्कीन का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले हम, तो हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने क्या लिया है, एल्कीन लिया है यहाँ पे। इसमें क्या कराएंगे हम, हाइड्रोजन को अटैच कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये अब डायरेक्ट तो होगा नहीं, किसी न किसी के प्रेजेंस में होगा, तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, निकिल की प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कुछ, क्या लेंगे हम लेंगे यहाँ पर एल्कीन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्कीन लिया है, उसका हम हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन को उसमें अटैच कराएंगे और निकिल की प्रेजेंस में और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बीच में बॉन्ड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलीन, इथीन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्केन, जिसको हम बोलते हैं इथेन। तो ये क्या है हमारा, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और हमें भी क्या सीखना था, एल्केन को प्रिपेयर करना सीखना था। अब देखिए यहाँ ये तो मैंने डबल बॉन्ड वाला बता दिया आपको कि अगर आपके पास एल्कीन है तो आप एल्कीन से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास एल्काइन है, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तब आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एल्काइन का एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एसिटाइलीन, इथाइन। अब देखिए ये जो हमारे पास एसिटाइलीन है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ही कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। अब यहाँ पर हमने कितना हाइड्रोजन लिया है, 2H2। यहाँ पर हमने H2 लिया था, यहाँ पर हमने 2H2, दैट मीन्स के 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे उसके बाद, निकिल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, 2H2 लिया, यहाँ पे हमने H2, यहाँ पे 2H2, मतलब यहाँ पे कितना होगा टोटल हाइड्रोजन, 4 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3। ये क्या है हमारे पास, इथेन, मतलब वही हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होता है हमारा सैबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन या फिर एल्काइन लेते हैं और उसमें हाइड्रोजिनेशन कराते हैं निकिल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हमें फॉर्मेशन हो जाता है एल्केन का। तो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई थिंक कि मैं आपको सारे मेथड्स बता ही चुकी हूँ, कि जो जो मेथड है, एक दो रह गया है, उसको भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।